इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूँ कहाँ थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी पूरी, तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं, जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति, उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है, हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। समझ लो कि आपके सामने क्या खेल खेला जा रहा है, समझ लो।